नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। मणिपुर में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें अब तक 7 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। मणिपुर में ये लैंडस्लाइड नौनी जिले में हुआ। वहां तुपुल रेलवे स्टेशन के पास भारतीय सेना की 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप लगा हुआ था। उस लोकेशन को भी लैंडस्लाइड में काफी नुकसान पहुंचा है। नौनी जिले के SDO सोलोमन एल फिमेट ने बताया कि अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। SDO के मुताबिक अभी भी 45 लोग लापता हैं। इससे पहले टेरिटोरियल आर्मी ने उनके 2 लोगों की मौत की जानकारी दी थी, वहीं 20 लोग लापता बताए गए थे। गांव वालों ने भी एक बच्चे समेत 5 लोगों के लापता होने की बात कही है। इसके साथ साथ रेलवे स्टाफ से 6 से 7 लोग गायब हैं। कुल मिलाकर 45 लोग लापता हैं। इस घटना पर PM मोदी ने भी दुख जताया। PM ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस घटना को लेकर बात की है और भूस्खलन के कारण बने हालात की समीक्षा की है। लैंडस्लाइड के बाद मणिपुर सरकार एक्शन मोड में है। CM एन बीरेंद्र सिंह ने लैंडस्लाइड की जानकारी के लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। CM बीरेंद्र सिंह ने बताया कि इलाके के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को भेज दिया गया है। ताज़ा अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।